इस वक्त हमारे पास सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है भोपाल से आ रही है, जहाँ भोपाल के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने मध्य प्रदेश की 26 विधानसभा सीटों पर सितंबर के आखिरी सप्ताह में उपचुनाव होने के संकेत दे दिए हैं, जिसके बाद से ही उपचुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने प्रत्यक्ष चयन करने की प्रक्रिया तेज कर दी है और एक के बाद सर्वे के आधार पर एक के बाद एक नेताओं से चर्चा का दौर शुरू कर दिया है। कांग्रेस फिलहाल 26 में से 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय करने की कोशिश में जुट गई है। साथ ही पार्टी का दावा है कि उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही उम्मीदवारों के नाम के ऐलान भी हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के सर्वे में ज्यादातर सीटों पर 2 से 3 के नामों का ऐलान हुआ है। आधा दर्जन सीटें अभी तक ऐसी है जहाँ पर सिर्फ ज्यादा नाम है। तो ये था आज का राजनीति का अपडेट। तो ये था आज का मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ा अपडेट। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें वॉइस ऑफ एमपी पर, साथ ही हमारे वॉइस ऑफ एमपी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं।